अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस प्लीज। बेल आइकन दबाने से आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा मेरे लिंक को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। आज हम लोग जो है वो नया आदिल के स्कूल जा रहे थे क्योंकि उनका न्यू एडमिशन हुआ है, न्यू स्कूल में न्यू एडमिशन है। तो आज फर्स्ट टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अटेंड कर रही हूँ इस स्कूल के अंदर, और इससे पहले जितनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ऑलरेडी मैं ही जाती थी। अच्छा, हमको सिखा रही है? तो मुझे वहाँ की टीचर्स का पता था, स्कूल का पता था, प्रिंसिपल को कैसे मतलब के समझाना है, सब आइडिया था मुझे। यहाँ पर जो है ना वो इश्यू ये हो रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इनके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम स्टार्ट होंगे तो इनका सिलेबस पूरा इंक्लूड होगा, न्यू बुक्स है, न्यू सिलेबस है, ये कैसे कवर करेंगे। और ऊपर से जो प्रिंसिपल है उसने कह दिया कि आपका पिछला भी सिलेबस आएगा, ये जो फाइनल टर्म होगा मिड टर्म का भी इंक्लूड होगा, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन होगा उसमें से, बहुत ज्यादा जो नेसेसरी होता है ना वही चीजें आएंगी, बाकी ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि उसमें से काफी परसेंट 20% आ जाएगा या 5% आएगा। कुछ मेजर इशू डिस्कस करने थे प्रिंसिपल के साथ, तो यहाँ पर ना इतनी लंबी लाइन पहले लगी हुई थी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, इतनी ज्यादा मदर्स थी वो बैठी हुई थी इस इंतजार में कि हमारी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी। जाहिर सी बात है जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो उस दिन तो रश होगा ही होगा, तो हमारी बारी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चले तब तक ना यहाँ पे थोड़ी मौज मस्तियां कर लेते हैं। आदिल को मैंने कहा ऐसे बोर हो रहे हो, चलो आप झूले ले लो। धूप काफी ज्यादा थी लेकिन ये पिंक थी ना, इसके ऊपर दरख्त था तो थोड़ी छांव आ रही थी, बाकी तो दूसरे झूले जितने भी पड़े हुए थे ना सबके ऊपर धूप थी। हम लोगों ने ना नाश्ता नहीं किया हुआ था और टाइम इतना ज्यादा हो चुका था, इतनी भूख भी लग रही थी और यहाँ पर हमारी बारी नहीं आ रही थी। ये पता नहीं कौन सी बच्ची है, ये नाखून ही चबाई जा रही है, जब से मैं इसको नोट कर रही हूँ ना, आई थिंक 9th की होगी स्टूडेंट, तो इसने तो नाखून खाने का ठेका लिया हुआ, लगता है इसने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो ना बाहर वाली साइड पे ना एक सिट्टे वाला एक अंकल खड़ा हुआ था, तो उसे मैंने ना उमेर आया हुआ था हमारे साथ, तो मैंने उमेर से बोला चलो बाहर से ना सिट्टा ले दो हमें, तो फिर ये भी हो रहा था कि खाली पेट सिट्टा खा लेंगे, क्या पता सारा दिन पेट दर्द ही न जाए, तो हम लोगों ने ले तो लिया लेकिन डरते हुए खाया नहीं कि चलो पहले नाश्ता ही करेंगे उसके बाद हम लोग सिट्टा खाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे सिट्टा नहीं खाया, बैठ गया गाड़ी में, इतनी धूप थी, बहुत बुरा हाल था, बच्चे भी ऊपर ऊपर उठ के ना एसी की हवा ले रहे। जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले ना तभी यही हाल था सेम, आदिल बाहर निकला है तो आदिल को अच्छी खासी गर्मी लगी है और इनाया यहाँ पर ना एसी की हवाएं ले रही है मुंह ऊपर चढ़ा के, वो भी इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी, 12 बज चुके हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और ना नाश्ता किया है ना कुछ, और वैसे भूखे प्यासे गए हैं वहां पे, पानी भी नहीं मिला, घर वापिस आ गए, उन्होंने तो हमें सुलह भी नहीं मारी कि पानी पीना या नहीं पीना आप लोगों ने। जो है ना वो घर पर लाकर आराम से रख दिए हैं क्योंकि बाद में खाने थे, अब नाश्ते का टाइम हो चुका था तो जाहिर सी बात है नाश्ता करेंगे। अचार है, सालन है और मैं फिलहाल पराठा नहीं खा रही, तो मैंने भी अपने लिए सूखी रोटी बनाई है और वो ही खाने लगी हूँ। आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग? अल्लाह हाफिज।